बे ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑन टू द पॉइंट, हाइड्रेशन बैकपैक एक ऐसा बैग होता है जिसमें आप पानी रख सकते हो और जब चाहिए तब पी सकते हो। बैग, पानी? अबे बॉटल और ग्रास से भी पानी पी सकते हैं ना? हाँ, बट दिस बैकपैक हैज सम एडवांटेजेस ओवर नॉर्मल बॉटल्स एंड ग्लासेस। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप मेरी तरह राइड करना पसंद करते हैं, या फिर कोई एडवेंचर वाली एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर हाइकिंग करते हैं, या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते वक्त आपको प्यास लगती है तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले तो बैग उतारूंगा, चेन खोलूंगा, उसके बाद मैं बॉटल निकालूंगा, मस्त उसका ढक्कन खोलूंगा, फिर पानी पीऊंगा, फिर से ढक्कन लगाऊंगा, फिर वो बोतल बैग में डालूंगा, फिर चेन लगाऊंगा। अबे बैग की चेन, हर की साले। डन। पता है अगर तेरे पास हाइड्रेशन बैकपैक होता तो तुझे क्या करना पड़ता? जस्ट तेरे को ये पाइप हुक से निकालना पड़ता, बैग का पाइप। उसके बाद में ये ओपनर खोलना पड़ता, उसके बाद में पानी पीना पड़ता, उसके बाद में ओपनर लगाना पड़ता, फिर हुक को लगा देना पड़ता, बस इतना सा। तो एक्टिविटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस होगा और पानी पीने के लिए करने वाली मेहनत पे थोड़ा कम फोकस होगा। वैसे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है, अगर आपको पानी की जरूरत है और आपके पास में पानी एक्सेसिबल नहीं है तो आप पानी नहीं पीते हो। बहुत सारी केसेस में ये सिचुएशन जो है कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन को लीड करती है। तो इस वजह से अगर पानी एक्सेसिबल है, आपके पास में है, तो आप उसको फ्रिक्वेंटली पियोगे, जब भी ज़रूरत है तब भी पियोगे। बस बस भाई, ज़्यादा बोल मत, ये ब्रांड वाले तुझे पैसे भी इसे नहीं देने वाले। ब्रो, इस ब्रांड के बारे में अभी तक कुछ बोला भी नहीं मैंने, ये मैंने खुद खरीदा है 1800 रुपये दे के भाई। चलो अभी टॉपिक निकला ही है तो इस बैग के बारे में भी बोल देता हूँ। ये है राइडा की तरफ से, राइडा ब्रांड की तरफ से आने वाला हाइड्रेशन बैकपैक। ये 2 लीटर के हाइड्रेशन पाउच के साथ आता है जिसको ब्लैडर भी बोलते हैं। इसको प्रॉपर हुक दिया गया है पाइप को होल्ड करने के लिए। उसके बाद में इसका जो ओपनिंग का मैकेनिज्म है वो भी बहुत ईजी है। बहुत सारे रिफ्लेक्टिव मटीरियल का भी यूज़ किया गया है इस पर, ताकि अगर लो लाइट वाली सिचुएशन आए तो ये रिफ्लेक्टर्स ग्लो करे। ये मटेरियल बहुत ही ड्यूरेबल लगता है, लाइट वेट है, अच्छी क्वालिटी का है, और एक अच्छी एडवांस बात है, इसमें बहुत सारे यूटिलिटी पॉकेट्स भी आते हैं जिसपे आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, आपके कार्ड्स, आपके कीज, आपके एक्शन कैमराज, या फिर अदर छोटी मोटी चीज़ें भी। अगर आपका रेनकोट है जो कॉम्पैक्ट है तो वो भी इसमें बैठ जाएगा। इसकी प्राइस है अराउंड 1800 रुपये, 1800 रुपीज। अगर कंपटीशन के साथ कंपेयर किया जाए तो इसकी प्राइस उनसे बहुत कम है। ऐसे देखा जाए तो हाइड्रेशन बैकपैक्स 2500 से लेकर 2700, 3000, 3500, 4000, उससे भी ज़्यादा प्राइस में आती है, बट ये 1800 रुपये में आज की डेट में आपको इतने सारे फीचर्स देता है। ये बैग पहनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बात करते हैं इस बैग में जो अच्छी चीज़ है, जो एडवांटेजेस है, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट चीज़ तो इसमें जो यूटिलिटी पॉकेट्स दिए हैं वो ढेर सारे हैं। बहुत सारे यूटिलिटी वाले इक्विपमेंट्स आप इसमें रख सकते हो, एक्शन कैमराज, कीज, आपके कार्ड्स, वॉलेट, गॉगल, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दूसरी इसकी अच्छी चीज़ है, इस पर जो डिटेल्स पर काम किया गया है, जो मटीरियल पर काम किया गया है, वो बेस्ट लगता है मुझे। मटेरियल हाई क्लास है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, लाइट वेट है, डिटेल्स जैसे ये पाइप लगाने के लिए हुक दिया है, और ये जैसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ किया गया है ताकि लो लाइट वाली सिचुएशन में आप प्रॉपरली ड्राइव कर सको, आपकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ये इसकी कुछ अच्छी बात है। इसके ये जो शोल्डर स्ट्रैप्स भी है ना, उसमें पोर्स है, होल्स है,
ताकि आप जब रनिंग करो, आप राइडिंग करो, तो इसमें से हवा जाते रहे और आपको हवा लगते रहे। गर्मी ना होने का पूरा ख्याल रखा गया है। वेट, इसमें डिसएडवांटेजेस भी है। इसका पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है ये वाटरप्रूफ नहीं है यार। अगर ये वाटरप्रूफ हो जाता तो इसका कोई तोड़ ही नहीं था। इसमें जो चीज़ें रखते हो आप, वो हाईवे वाले रेन में थोड़ी गीली हो जाती है। अगर आपके पास वाटरप्रूफ वाले मटेरियल नहीं है, ये बैग में आप रखते हो और इसमें भीग जाते हैं, तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। दिल तोड़ दिया भाई यार, वाटरप्रूफ नहीं है। मैं तो खरीदने जाने वाला था, वाटरप्रूफ रहता ना अब भी के अब भी ले लेता था मैं। चल बे, वाटर बैग के लिए 1800 रुपए देने का जिगरा तेरे पास होता और औकात भी होती ना, तो तू खरीद लेता, अभी नहीं खरीदेगा।